क्लास प्रीवियसली हमने पढ़ा था अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया था एलेक जेफरी ने। लेट अस अज्यूम हमें दो सेट कंपेयर करने हैं जिसमें हमारे पास है 3×10^6 बेस पेयर्स, लेकिन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए इन सेट्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करता है डीएनए के रिपीटेटिव सीक्वेंस को, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस शो करते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन में। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेजर एप्लीकेशन होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक साइंस में। क्लास अब हम सीखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल से, फिर हम इस डीएनए के करते हैं फ्रैगमेंट्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन। फिर हम इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को रन कराते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, जहां हम पाते हैं डीएनए के लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स। फिर हम इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं एक मेम्ब्रेन पे। उसके बाद हम हाइब्रिडाइज करते हैं इस डीएनए को विद दी वीएनटीआर प्रोब, और फाइनली हम ऑब्जर्व करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थ्रू एक्सरे रेडियोग्राफी से। क्लास अब हम यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अच्छे से समझेंगे। हमारे पास इंडिविजुअल ए है और इंडिविजुअल बी है। इन दोनों का हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है और ऑब्टेन किया है क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड क्रोमोसोम नंबर 16। जैसा कि आप देख सकते हो, इन क्रोमोसोम्स की दो दो कॉपीज हैं, जो कि एक फादर की है और एक मदर की है। सिमिलरली इंडिविजुअल बी का हमने मैप किया है क्रोमोसोम नंबर 7, 2 एंड 16। उसके अलावा हमारे पास और एक डीएनए सीक्वेंस है जो हमें क्राइम सीन से ऑब्टेंड हुआ है। इस डीएनए सीक्वेंस का भी हमने मैप किया है क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 16। नाउ अब हमने इस क्राइम सीन पे ऑब्टेन डीएनए को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस पे रन किया है और ऑब्टेन किया है एक डीएनए फिंगरप्रिंट, जिसमें हमने इस तरह के बैंड्स को ऑब्जर्व किया है। सिमिलरली हमने इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया है और इस तरह के बैंड्स को ऑब्जर्व किया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सी वाला हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, ये काफी हद तक मैच कर रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट बी से। इसका मतलब यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं जो हमारा इंडिविजुअल बी है वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट था, और क्लास ये है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट। और ये पूरा जो हमारा प्रोसेस है, ये जो हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम बोलते हैं सीमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट।